और दोस्तों अभी अभी पीएम मोदी गवर्नमेंट के अंदर दो नए नियम निकल कर आ रहे हैं जो हर एक उस आदमी के लिए जानना जरूरी है जिनके नीचे भी घर में टीवी लगा हुआ है, फिर चाहे केबल सिस्टम से हो, डीटीएच हो, सेटअप बॉक्स हो, किसी भी तरीके से आपने अपने घर में टीवी लगा रखा है और आप चैनल्स वॉच करते हैं, तो ऐसे में सरकार की तरफ से यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से 1 जनवरी 2019 से दो नए नियम लागू किए जा रहे हैं जिनमें कुछ लोगों के लिए टीवी देखना महंगा हो जाएगा और कुछ के लिए सस्ता हो जाएगा। हाँ आप ये सोच रहे होंगे यार डीएलएस भाई क्या मतलब, नहीं मतलब ये नए नियम से क्या होगा, या तो महंगे होंगे या तो सस्ते होंगे, ऐसा क्या कि कुछ के लिए सस्ता हो जाएगा और कुछ के लिए महंगा हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए इसके लिए आप ये खबर देख लीजिए, पहले मैं आपको दोनों ही नए नियम और अपडेट बता देता हूँ। आप देख पा रहे 1 जनवरी से टीवी देखने वालों के लिए बदल जाएंगे दो नए नियम, और देखिए पसंदीदा चैनल की प्राइस लिस्ट। जी हाँ 1 जनवरी 2019 से टीवी देखना महंगा हो सकता है। दरअसल नए साल की शुरुआत से दो बड़े नियम बदलने जा रहे हैं जिनका सीधा असर टीवी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। दरअसल 1 जनवरी से आपके केबल और डीटीएच का मासिक खर्च बढ़ जाएगा, साथ ही आप उन चैनल्स के लिए पैसा देंगे जिन्हें आप देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक महीने का डीटीएच रिचार्ज किया और आपको वो चैनल मिल रहे हैं जिन्हें कोई देखना पसंद ही नहीं करता। अब आप समझ गए ना, सबसे पहले तो आप जिन जिन चैनल्स के लिए चाहेंगे कि ये चैनल आपको देखने हैं उसी लिस्ट के चैनल्स के पैसे आपको देने पड़ेंगे। अब ये दोस्तों बहुत से लोगों के लिए सस्ता पड़ेगा और बहुत से लोगों के लिए महंगा पड़ेगा, और आगे समझिए आप नए नियम, फिर आप क्लियरली समझ जाएंगे कि हाँ यार डीएलएस भाई असल बात ये है। तो वैसे मैं आप यहाँ देख पा रहा हूँ दोस्तों 1 जनवरी से आपको हर चैनल एमआरपी पर खरीदना पड़ेगा या फिर आप किसी ग्रुप के चैनल पूरे एक साथ खरीद सकेंगे। दरअसल दोस्तों ट्राई ने यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन टीवी न्यूज चैनल्स के लिए कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, नए नियम, नई गाइडलाइंस बना दी हैं जो कि 1 जनवरी से लागू होने जा रही हैं। और उसके मुताबिक मसलन अगर आप स्टार इंडिया से जुड़े सभी 13 चैनल्स देखना चाहते हैं तो आपको करीब 49 रुपए महीना का देना होगा। इसके अलावा कितना बढ़ेगा बिल, तो ऐसे में आप यहाँ देख सकते हैं फिलहाल छोटे कस्बों में केबल डीटीएच का बिल करीब 200 से 250 रुपए महीने और छोटे शहरों में करीब 350 से 400 रुपए महीने का आता है। इतने रुपए में आप सभी रीजनल चैनल सहित कुछ प्रीमियम चैनल भी देख लेते हैं, लेकिन अगले महीने से आपका ये खर्च करीब 420 से 450 रुपए तक महीने का हो सकता है जिसमें आपको ज्यादातर पसंदीदा चैनल मिल जाएंगे। अगर आप प्रीमियम एसडी और स्पोर्ट्स के सभी चैनल देखना चाहते हैं तो आपको करीब 600 रुपए महीने के खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि ऐसे जो स्पोर्ट्स के वगैरह प्रीमियम के सारे चैनल्स मिलाकर के टीवी पर तो हजारों चैनल आते हैं, हजारों तो हम देख पाते नहीं है असल में, तो ये सच्चाई है। हम देखते कितने मैक्सिमम 10 या 12 ऐसे प्रीमियम जो चैनल्स होंगे हमारे रेगुलरली, उन्हें हम वॉच करते हैं। अब उनके लिए अगर आपको केवल पैसा चुकाना पड़ेगा तो आपका टीवी देखना और ज्यादा सस्ता होगा। असल में आप कैलकुलेशन समझिए यहाँ पर, यहाँ देख पा रहे एक नियम ये भी है, फ्री चैनल्स का भी लगेगा पैसा। केबल के जरिए डीटीएच के जरिए अब तक आपको तकरीबन 100 चैनल फ्री मिलते हैं, वो ये चैनल होते हैं जिनके आपको पैकेज के साथ मिलते हैं, इनका आपको पैसा नहीं देना पड़ता। लेकिन 1 जनवरी के बाद जब ट्राई के नए नियम लागू होंगे तो आपको करीब 130 रुपए भरने होंगे 1 रुपए में, लेकिन आपको ये चैनल्स मिल जाएंगे जिनमें आप देख पा रहे डिस्कवरी, जीत, बिग मैजिक, जी अनमोल, बिंदास, रिश्ते, सोनीपल, लिविंग फूड, स्टार उत्सव, मूवीज ओके, सोनी मैक्स 2, जी एक्शन, सोनी वाय, जी अनमोल सिनेमा, न्यूज 18 इंडिया, आज तक, एनडी टीवी इंडिया, सीएनबीसी आवाज, सीएनएन, एनडी टीवी प्रॉफिट, सोनी मिक्स, जिंग, जी ईटीसी बॉलीवुड, विच वन, डिस्कवरी साइंस, ये चैनल्स आपको महज 1 रुपए के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये प्लान जो है वाकई में सस्ता ही रहेगा। इसके अलावा अब इन चैनल्स को एक साथ कर सकते हैं सब्सक्राइब, यहाँ चैनल की लिस्ट आप देख पा रहे, इनकी प्राइस लिस्ट भी आप यहाँ देख पा रहे। स्टार इंडिया का अगर आप 13 चैनल का पैकेज लेते हैं तो 49 रुपए महीने का पड़ेगा आपको। ओके जी इंटरटेनमेंट का अगर पूरा पैकेज लेते हैं आप चैनल्स का तो 24 चैनल के 45 रुपए हर महीने आपको देना होंगे। सोनी पिक्चर के 9 चैनल के 31 रुपए देने होंगे। इसी तरह से ये पूरी लिस्ट है जो आप यहाँ देख सकते हैं। वैसे दोस्तों आपने केबल टीवी ले रखा है या फिर आपने टाटा स्काई, डीटीएच, एयरटेल, बिग टीवी वगैरह कौन सी डिस्क लगाई हुई है अपने घर पे, टीवी कौन सी कंपनी की, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जानना चाहूंगा दोस्तों, कमेंट करके आप जीत सकते हैं डीएलएस टीम की तरफ से एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप, गैजेट वगैरह कुछ भी हो सकता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपके घर में भी टीवी है या नहीं है तो भी, और साथ ही शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को बिल्कुल दबा देना ताकि आपको हर काम की खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर मिल पाएगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।